जैसा कि हम जानते हैं 19 मई विश्व आईबीडी दिवस के रूप में जाना जाता है और इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश बंसल जो कि गंगाराम हॉस्पिटल में पेट रोगों के विशेषज्ञ हैं। सर से हम जानना चाहेंगे कि सर आईबीडी क्या होती है। आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इंटेस्टाइन आंतों की एक बीमारी होती है जिसमें इंटेस्टाइन में या हमारे आंतों में स्वेलिंग आ जाती है, कॉमन भाषा में अगर हम कहें तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बेसिकली दो बीमारियों को मिला करके बनी है। एक अल्सरेटिव कोलाइटिस है जो ज़्यादा कॉमन है और एक क्रोन्स डिजीज है। आज एक अनुमान के आधार पर भारतवर्ष में लगभग 0.5% पॉपुलेशन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से ग्रसित है। सर हम जानना चाहेंगे कि यह बीमारी क्यों होती है। देखिए, इस बीमारी का बहुत सटीक कारण नहीं पता है कि क्यों होती है, लेकिन इसमें बेसिकली हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अगेंस्ट ये इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है किसी वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से या किसी अंदरूनी जो जीन्स होते हैं उनकी वजह से, और ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बन जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि अगर भाई बहनों में या परिवार में किसी को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है तो परिवार में दूसरे व्यक्ति को यह बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए मानते हैं कि शायद कुछ जीन्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं। तो ऐसा होता है कि जो जिस आदमी में कुछ इस तरह के जीन्स होते हैं, स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, और उनको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट मिलता है, कई बार स्ट्रेसफुल सिचुएशंस मिलती हैं, तो ये उनका इम्यून सिस्टम ओवर ट्रिगर हो जाता है जिसकी वजह से आईबीडी होती है। सर आईबीडी में सिम्टम क्या क्या होते हैं। देखिए, आईबीडी मैंने बताया दो बीमारियां मेनली होती हैं, इसमें एक अल्सरेटिव कोलाइटिस और एक क्रोन्स डिजीज, दोनों बीमारियां लगभग मिलती जुलती हैं इसलिए इनको एक कॉमन ग्रुप में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या आईबीडी में डाला है। अल्सरेटिव कोलाइटिस यूजुअली बड़ी आंत की बीमारी है और उसमें जो जितनी भी बीमारी या लक्षण होते हैं वो सिर्फ बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन से आते हैं, तो इन लोगों को ज़्यादातर ब्लीडिंग होती है लेट्रिन के रास्ते, पेट में मरोड़ पड़ते हैं, बार बार लेटरिन जाना पड़ता है, म्यूकस आता है, डिस्चार्ज होता है लेटरिन के साथ में, स्मॉल अमाउंट में लेटरिन आती है लेकिन 8-10 बार 15 बार इस तरह से जाना पड़ता है, रात को भी उनको उठना पड़ता है, पेट में टिनेसमस जिसको बोलते हैं क्रैम्प्स जैसा आता रहता है और बार बार उनको लगता है कि टॉयलेट जाना है, और जब जाते हैं तो थोड़ा सा आता है, ब्लड आता है, म्यूकस आता है, इस तरीके के होता है। जबकि इसके साथ में जो दूसरी क्रोन्स डिजीज़ है, क्रोन्स डिजीज में मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं, पेट में दर्द रहता है, लूज मोशन रहते हैं और वॉटरी स्टूल्स हो सकते हैं। क्रोन्स डिजीज में कई बार फिस्टुला भी बन सकता है और कुछ स्ट्रिक्चर्स इंटेस्टाइन में बन सकते हैं जिससे पेट में दर्द रह सकता है, उल्टी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, सब ये सब लक्षण आपको किसी को हों तो उसको अपने आप को ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये बीमारी हो सकती है। सर इसका इलाज क्या संभव है। इसका इलाज बिल्कुल संभव है, आज हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं और फॉर्चुनेटली बहुत सारी रिसर्च चल रही है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज पर, जिसकी वजह से हर रोज़ कुछ न कुछ नई मेडिसिन जो है मार्केट में किसी न किसी फेज में ट्रायल पे चल रही हैं। और अभी हमारे पास क्या है, मेनली इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम यूजुअली 5-अमीनोसैलिसिलिक एसिड नाम की मेडिसिन यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही सेफ है, और उसके बाद में अगर किसी पेशेंट को उससे इफेक्ट नहीं आता है तो हम स्टीरॉयड्स यूज़ करते हैं। फिर कुछ इंजेक्शन्स ऐसे आते हैं जिनको अगर आप 2-2 हफ्ते से लगाएं तो वो इंजेक्शन्स जो हैं आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ दे सकते हैं। और आजकल और भी कुछ नई मेडिसिन आ रही हैं, आजकल एक फीकल ट्रांसप्लांटेशन का भी प्रचलन बढ़ा है कि किसी स्वस्थ आदमी का स्टूल अगर किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के इंटेस्टाइन में डाल दिया जाए तो उससे भी उसको फायदा होता है। कुछ केसेस में जैसे 5% केसेस में आप कह सकते हैं कि किसी विशेष वजह से हमें पेशेंट का ऑपरेशन भी करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है इंटेस्टाइन का कोई पर्टिकुलर हिस्सा या पूरी इंटेस्टाइन निकालनी पड़ सकती है। सर क्या कोई आईबीडी से ग्रसित महिला गर्भ धारण कर सकती है। जी बिल्कुल कर सकती है, आईबीडी से ग्रसित महिला गर्भ धारण कर सकती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस बीच में आ सकते हैं, इसलिए आप जो है अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो होते हैं पेट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके निरंतर संपर्क में बनते रहिए और अपने इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की जो मेडिसिन जो प्रेगनेंसी में आप सेफ्टी से ले सकती हैं उनको आप कंटिन्यू कीजिए। सर आईबीडी में दवाई कब तक लेनी होती है। देखिए, दोनों बीमारियां जो क्रोनिक बीमारियां हैं, जैसे आप डायबिटीज है, थायराइड है, क्रोनिक बीमारियां हैं, इसी तरह से इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की बीमारी भी क्रोनिक बीमारी है जो रिलैप्स करती रहती है, बीच बीच में कभी कम ज़्यादा होती रहती है,
तो मैं आईबीडी के मरीजों को एक सलाह दूंगा कि वो अपनी दवाइयाँ जो है नियमित रूप से लेते रहें, बीच में उनको छोड़े नहीं बिना और डॉक्टर की सलाह के, और हमेशा अपने चिकित्सक के संपर्क में रहें, कम से कम साल भर में एक बार अपना कोलोनोस्कोपी वगैरह जरूर कराएं। और ये दवाएं लगभग ज़्यादातर मरीजों को लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं और हो सकता है कुछ लोगों को ज़िंदगी भर भी लेनी पड़ती है। सर, खाने में कुछ परहेज करनी होती है आईबीडी के मरीजों? देखिए, जब आईबीडी जब एक्टिव होती है, जब डिजीज बहुत ज़्यादा होती है, बार बार मोशन आ रहे होते हैं, तो हम कुछ परहेज बताते हैं, जैसे हाई फाइबर डाइट नहीं लेना है, सॉफ्ट डाइट लेना है या लिक्विड डाइट लेना है। कई बार दूध से मिल्क इंटॉलरेंस से, लैक्टोज इंटॉलरेंस से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम उनको दही, लस्सी, ये सब चीज़ें बताते हैं जिसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो ये कुछ माइनर वेरिएशन होते हैं जो डिजीज की पर्टिकुलर कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर क्रोन्स में कोई स्ट्रिक्चर है तो पेशेंट को हम सॉफ्ट क्लोराफिल डाइट के लिए बोलते हैं। अगर पेशेंट रेमिशन में है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट ठीक है, तो नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। लेकिन इसमें बाहर का खाना नहीं खाना होता है, ज़्यादा इन्फेक्शस फूड या स्ट्रीट फूड थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। सर, इस बीमारी में कैंसर की कोई संभावना होती है? कैंसर की संभावना होती है, बहुत कम होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन अगर ये बीमारी लंबे समय तक हो, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी अगर 15-20 साल से है और आपने प्रॉपर तरीके से दवाई नहीं ली है, तो कुछ चांसेस हैं कि 2-5% चांसेस हैं कि कैंसर हो सकता है। तो उसके लिए मैंने बताया कि ऐसे पेशेंट्स को हमेशा साल भर से अपनी कोलोनोस्कोपी करा के चेक करते रहना चाहिए, और जो भी सस्पेक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पे डॉक्टर को लगता है कि भाई कि ये कैंसर या प्री कैंसरस हो सकता है, तो वो उस टाइम वहाँ से बायोप्सी लेते हैं। पर यूजुअली कैंसर की जो इंसिडेंस है इस बीमारी में बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आईबीडी बेसिकली, आज आईबीडी दिवस पे मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह के लक्षण देखते हैं कि आपके पेट में दर्द है, लूज मोशन है, ब्लीडिंग हो रही है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। मैंने देखा है कि कई बार ये ऐसे पेशेंट जो होते हैं, आप जाकर के जब ब्लीडिंग होती है तो वो सोचते हैं कि पाइल्स हो गए, पाइल्स का अपना सर्जरी करा लेते हैं बिना कोलोनोस्कोपी या बिना एंडोस्कोपी कराए या बिना किसी डॉक्टर को दिखाए। और ऐसे पेशेंट दो तीन बार सर्जरी करा लेते हैं, उन्हें आराम नहीं आता, और फिर अल्टीमेटली जब आता है तो पता चलता है कि पाइल्स नहीं है बल्कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। तो अगर आपको लेटिन के रास्ते ब्लीडिंग आती है तो सिर्फ पाइल्स से नहीं हो सकती, ये आपके इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है, कोई फिशर हो सकता है, कोई डायबिटिकोलोसिस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए लोगों को एक जागरूकता के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह के अगर आप लक्षण देखते हैं तो अपने चिकित्सक से सलाह लें और उसका प्रॉपर समुचित इलाज करें।